भारत में एकमात्र यमराज का मंदिर, जी हाँ, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, 300 साल पुराना मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर यमराज के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के सामने यमराज हाथ जोड़कर बैठे हैं। नरक चौदस के दिन यमराज की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वर्ष में 3 बार यमराज की यहाँ विशेष पूजा की जाती है, एक छोटी दिवाली पर, यम द्वितीया तिथि पर और मकर संक्रांति पर। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहा हूँ, मतलब मुझे कम से कम 10-12 साल हो गई है। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जो मध्य प्रदेश में ये मार्कंडेश्वर नाम से मंदिर है, जो ग्वालियर में ही स्थित है। और ये काफ़ी मतलब पुराना मंदिर है, जो अपने मार्कंडेश्वर महाराज के नाम से है। और शिव जी का बहुत पुराना शिवलिंग है यहाँ पे, जो अपने मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है। और ये प्राचीन मंदिर है। यम देवता जी की यहाँ की एक स्पेशल पूजा होती है, जो आज के दिन सोमवार के दिन रखी जाती है, दीपावली के दिन रखी जाती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है। मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर एक राजा को प्राण दान मिले हुए, यमराज साक्षात आ चुके थे उसको प्राण हरने के लिए। तो ये प्रभु भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर के ये चिपट गए थे, यानी भोलेनाथ से ये लिपट गए थे। मतलब जो है तो प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि मतलब जो मेरी शरण में ही आ गए आप, मतलब जो है तो आपको तो यम तो क्या कोई प्राण हर ही नहीं सकता। वो महत्व इस मंदिर का है भैया साहब। और दूसरा नरक चतुर्दशी, यानी जो प्राणी नरक में जा रहा है वो केवल दर्शन मात्र से मतलब जो है यहाँ उसका मोक्ष संभव है और होता है। बहुत प्राचीन, इनका तो जितना बखान करें, जितना गुणगान करें उतना कम है। बिल्कुल, हम हर सोमवार को दुकान जाते हैं भैया साहब, तो यहाँ दर्शन करके माथा टेक के मतलब जो है तभी हम आगे जाते हैं। बिल्कुल भैया साहब, मतलब मैं बता तो रहा हूँ आपको, मतलब जो अपने पूरे हिंदुस्तान में मतलब मैं समझता हूँ पहला एक शनि महाराज का मंदिर और एक ये मंदिर, ये दो मंदिर अपने पूरे मतलब जो भारत के अंदर, प्रदेश तो बहुत छोटी लेवल की बात हो जाएगी, भारत के अंदर मतलब जो ये मंदिर आपको मिल नहीं सकते। एक होती है अपने दिवाली के पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की, छोटी दिवाली बोला जाता है, इस दिन यमराज की पूजा होती है। फिर होती है यम द्वितीया को होती है, इसके बाद होती मकर संक्रांति को। आज के दिन विशेष करके जो इसका नियम है कि मानव को सुबह अपने तिल का तेल या तिली उससे लेपन करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि इसको बोलते हैं रूप चतुर्दशी बोला जाता है। तो आज के दिन से अपने तेल से स्नान जो लगा कर तिल स्नान कराया जाता है, उससे व्यक्ति को काफ़ी हद तक रोगों से मुक्ति मिलती है। और फिर ये माना जाता है कि छोटी दिवाली को मैया जो है, लक्ष्मी मैया जो है, तिल के तेल में निवास करती हैं।